नमस्कार दोस्तों, भूपेंद्र सिंह आप सभी का फिर से एग्जाम गुरु में स्वागत करता हूं। 6 मई की शाम के बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आई है कि जो बेसिक शिक्षा मंत्री की ओर से एक बयान आया है कि अब नहीं रुकेगी भर्ती, लॉकडाउन में होगी पूरी प्रक्रिया, रिजल्ट और उत्तरकुंजी सरकार का निर्णय। दोस्तों, इन सभी न्यूज़ की डिस्कस हम आप सभी से करना चाहते हैं। दोस्तों, आशा है कि आप सभी को वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, और जो भाई चैनल पर नए प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। जो पल पल की अपडेट होती है दोस्तों, वो हम आपके सामने लेकर आते हैं। दोस्तों, कल भी हमने जो क्लोज लिस्ट जारी हुई थी उसकी सबसे पहले सूचना आपको एग्जाम ग्रुप चैनल के माध्यम से आप सभी को दी गई थी, और उसके साथ साथ में जब आज आदेश जारी हुआ था, हाई कोर्ट से जब आदेश जारी हुआ था, उसकी सूचना भी हमने आप सभी को सबसे पहले ही प्रोवाइड कराई थी। दोस्तों, आप सभी से आशा है कि वीडियो पसंद आई। दोस्तों, आप जैसा कि सबको पता है कि डबल बेंच से 49 शिक्षक भर्ती का आदेश जारी हो चुका है, और उसमें 60-65 को लेकर भर्ती प्रक्रिया 3 महीने के अंदर पूरी करने के लिए कहा गया है। उसी को साथ में सबको मालूम है कि इस समय लॉकडाउन चल रहा है, और लॉकडाउन के कारण कुछ ऑफिस खुले हैं, कुछ नहीं खुले हैं, किंतु उसी को ध्यान में रखते हुए जो बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी हैं, उन्होंने कहा है कि भर्ती प्रक्रिया नहीं रुकेगी, लॉकडाउन में ही होगी पूरी। मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था, आपको सबको ध्यान हो कि मंत्री जी के बयान थे कि हम सभी को ऑनलाइन काउंसलिंग कराएंगे और ऑनलाइन प्रशिक्षण देंगे। ये कल मैंने दिखाया था, कुछ छात्रों ने इसकी आलोचना की थी कि आप वीडियो ऐसे ही बना देते हो कि आपको सोर्स का तो पता होता ना। कल भी मैंने बताया था कि सोर्स मंत्री जी के हैं, आप देख सकते हैं इसमें, फिर भी उन्होंने इसको ध्यान से नहीं देखा और ना ही इसको संज्ञान में ठीक प्रकार से लिया। तो हम आप दिखाना चाहते हैं कि जो इसके जो मंत्री जी ने बयान दिए थे कि भर्ती प्रक्रिया रिजल्ट और शीघ्र जारी होंगे, साथ में हम आपको दिखाएं। आप देख सकते हैं कि टीवी पर न्यूज़ चल रही है, ये टीवी जो होता है 6 जनवरी को हुई 2019 की परीक्षा, और जिसमें सतीश द्विवेदी बयान दे रहा है, आप सभी देख सकते हैं कि ऑनलाइन काउंसलिंग की जाएगी। आप सभी को दिख रहा है कि ऑनलाइन काउंसलिंग की जाएगी, ये सतीश द्विवेदी जी के बयान हैं। और साथ में आपको और दिख, और इसमें आप देख सकते हैं कि जो आरक्षित वर्ग हैं, आप देख सकते हैं जो आरक्षित वर्ग है उसके लिए 60 का है, और सामान्य वर्ग के लिए 65 है, और जिसमें आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कि 49 से भर्ती का केस का ये मामला है। उसके साथ में आप सभी को दिखा दें कि हाई कोर्ट में ने सुनाया बड़ा फैसला ही। देखिए, ई न्यूज़ 18 पर बोले बेसिक शिक्षा मंत्री, दोस्तों इसमें देख सकते हैं कि भर्ती प्रक्रिया फ़ौरन होगी शुरू। देखिए, ये सतीश द्विवेदी जी के बयान है कि भर्ती प्रक्रिया शीघ्र शुरू होगी, जिसमें कोर्ट ऑर्डर को आते के साथ ही भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए। दोस्तों, आप सभी को बता चलें कि अभी कोर्ट ऑर्डर की सॉफ्ट कॉपी नहीं मिली है, केवल नेट पर अपलोड हुआ है, जैसे ही इसकी सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी और शिक्षा मंत्री जी के पास पहुँचने के पश्चात में जब इसको गहन अध्ययन किया जाएगा, गहन अध्ययन करने के पश्चात ही इस पर कुछ कदम उठाया जाएगा, और साथ में जो मुख्यमंत्री के साथ प्रेषित की जाएगी, और वे शीघ्र ही एक विज्ञप्ति निकालेंगे जिसमें ऑनलाइन काउंसलिंग या रिजल्ट और आपकी उत्तरकुंजी को लेकर बहुत बड़ा बदलाव आप देख सकते हैं। और साथ में आप जानते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का भी फैसला आना है, जो कि वो इसके परिप्रेक्ष्य में था, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने टिप्पणी करके अपने लंबी डेट लगाई थी, जो भी ऑर्डर लखनऊ बेंच का होगा वही इलाहाबाद बेंच का होगा। दोस्तों, आशा है कि शीघ्र ही इलाहाबाद बेंच का भी ऑर्डर देखने को मिलेगा, जिसमें आपको 60-65 की जीत मिलेगी। दोस्तों, आशा है कि आप सभी को वीडियो पसंद आएगी, जो बात चैनल पर नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। दोस्तों, इसके बाद में तुरंत हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम एनालाइज करेंगे कि SC OBC ST और फ्रीडम फाइटर की कितने पर किसका सिलेक्शन होने की पूरी संभावना है। दोस्तों, जो भी हम न्यूज़ डालते हैं बिल्कुल सटीक डालते हैं, और वो भी सोर्स के साथ डालते हैं। थैंक यू दोस्त, धन्यवाद। आपका अपना भूपेंद्र सिंह।